राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नारायण चंदेल विधायक तहसीलदार नवागढ़ को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में बारदाने की किल्लत को लेकर प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने किया एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ मुख्यालय के डॉक्टर अंबेडकर चौक राछा भाटा में आज भारतीय जनता पार्टी नवागढ़ मंडल ने प्रदेश भर में धान खरीदी में आ रही बारदाने की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल से चलकर तहसीलदार नवागढ़ को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। नवागढ़ बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी की कई तरह से स्लोगन मंच पर लगाए हुए थे। बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाया है कि आज किसानों को जो भी समस्या प्रदेश में बनी हुई है उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों की जमीन चोरी हुई है, किसानों का जमीन आधा हो गया है। किसान अपनी खुद की जमीन पर धान बेचने कलेक्टर एवं तहसीलदार व पटवारी के चक्कर काट रहे हैं। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों को मंडी पे बोल नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो किसानों पर यह एक तरह का नया समस्या है। पहले कीटनाशक दवाइयों में अत्यधिक खर्चा, इसके बाद यूरिया खाद्य की बढ़ती कीमत, ऊपर से फसलों में बीमारियों व बिजली बिल के बाद यह नया किसानों के लिए नया समस्या आया है। चारों तरफ से किसानों के लिए समस्या ही समस्या है। कांग्रेस भी किसानों की हितैषी अपने आप को बता रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन में जिले भर से तमाम बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें सौरभ सिंह विधायक अकलतरा, नरेंद्र कौशिक, निरंजन कोसले महामंत्री, जगदीश कश्यप मंडल अध्यक्ष नवागढ़, अमर सुल्तानिया, पुरुषोत्तम शर्मा, दिलीप बर्मन, खम्मन तिवारी, झाम कश्यप, प्यारेलाल कश्यप, नरेंद्र साहू, प्रेमलाल धीवर, खम्भन टंडन एवं भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व किसान मौजूद थे। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। जो धरना था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 12 से लेकर 4 बजे तक ये कार्यक्रम था पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में। और कार्यक्रम का जो मुख्य हेतु है वो किसान को होने वाली परेशानी है। आज जो है 2 साल हो गए इस कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, हैरान है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ में विश्वासघात हुआ है इस कांग्रेस सरकार द्वारा, तो छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र अन्नदाता किसान है। आज धान खरीदी केंद्रों में इतनी अव्यवस्था है, किसान का इतना अपमान हो रहा है। एक तो पहले इन्होंने खरीदी लेट की, 15 दिन विलंब से खरीदी प्रारंभ हुआ 1 दिसंबर से। टोकन के लिए किसान भटका कई कई दिन तक। गिरदावरी के नाम से किसानों का जमीन गायब हो गया, जमीन की चोरी हो गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार किसान की जमीन चोरी होते हुए हमने पहली बार देखा है और सुना है। और गिरदावरी इसलिए इन्होंने सुनियोजित ढंग से किया कि इनको धान ज़्यादा मत खरीदना पड़े। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बोरे की कमी है। किसान जा रहा है तो बोलते हैं कि बोरा नहीं है, 3 दिन बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना। 2 साल का इन्होंने कहा था कि हम बोनस देंगे कांग्रेस सरकार ने, इन्होंने बोनस नहीं दिया। 2500 रुपये की राशि एक मुश्त देंगे बोले थे, ये किस्त किस्त में दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि 2 साल का जो बकाया बोनस है, जो इनके चुनाव के घोषणा पत्र में है, उस घोषणा पत्र को अक्षरशः ये पालन करें और किसानों की तौहीन, किसानों का अपमान, धान खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के सरकार में चल रहा था। धान खरीदी की व्यवस्था को पुनः सुव्यवस्थित ढंग से बहाल करें, इसके लिए आज का हमारा ये धरना का कार्यक्रम आयोजित था। धन्यवाद।